मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जब हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही या जीवन की कठिनाइयों से हार मान लेते हैं तो हम सचमुच में हार जाते हैं, लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब जूझते हैं, कोशिश करते हैं और बार बार गिरकर भी खड़े होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जब मंजिल मिलती है ना, तो उसकी खुशी कई गुना होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ। दरअसल आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके सामने कई कठिनाइयां आई। जीवन ने मानो उन्हें इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था कि जहां से जीने की उम्मीद शायद इंसान छोड़ दे। वाराणसी की एक महिला है नेहा गुप्ता, आप खुद ही उनसे उनके संघर्ष की कहानी सुनिए। मेरा नाम नेहा गुप्ता है। हमारे जो आप बता रही थी कि पति के उसके बाद तो ये कैसे काम शुरू किया? 5-6 साल पहले हमारे पति को कैंसर हुआ था। हम प्रेग्नेंट होते हुए भी हमने 10 साल तक जॉब किया। जॉब करते करते फिर यहाँ पे रोड पे दुकान लगाया, फिर उसी से अपना दुकान कब से चला रही है? अभी तो फिलहाल 6 महीने से। 6 महीने से। उसका आइडिया कैसे आया? बस भोलेनाथ का कृपा। भोलेनाथ की कृपा। तो ये बनाती है या किसी से बनवाती है? नहीं नहीं, ये आते हैं, एक लोग देख के जाते हैं, अच्छा, खरीदते लगाते हैं। दिन भर में अच्छी बिक्री हो जाती है? अरे बस दाल रोटी चल जाए घर का। चल जाती है दाल रोटी। घर में कितने लोग, पति कैसे हैं? पति अब ठीक है, उनका मतलब वो कैंसर का जिसे इलाज चल रहा है तो उसमें ज्यादा हमारा पैसा चला जाता है, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आपका नंबर क्या? देखा आपने, नेहा जी के पति को कैंसर था। प्रेगनेंसी में भी मुश्किल हालातों में नौकरी की, फिर भी अपने मन को हालातों के आगे घुटने नहीं टेकने दिया। लोगों की परवाह किए बिना सड़क पर पर्स और हैंडमेड सामान बेचती हैं। नेहा जी के इस जज्बे को हमारा सलाम है। तो दोस्तों, दुनिया आपको कैसे देखती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप खुद को कैसे देखते हैं और अपनी परेशानियों से उबरने के लिए खुद कौन सा रास्ता चुनते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।